गाजीपुर में एक दरोगा द्वारा बाइक सवारों को दौड़ाकर पकड़ने का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस का एक एसआई दौड़कर भागते बाइक सवारों को रोक रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त वीडियो नंदगंज थाना क्षेत्र के चोचकपुर मोड़ का है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान ये घटना हुई। बाइक सवार के गाड़ी नहीं रोकने पर एसआई ने दौड़कर किसी तरह बाइक पकड़ी। इस दौरान काफी दूर तक बाइक सवार चेकिंग में शामिल पुलिस कर्मियों को सड़क पर दौड़ाता रहा। बाइक सवार पुलिस चेकिंग से बचकर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने भी बाइक सवार को शायद न छोड़ने की ठान ली थी। बाइक सवार को पकड़ने के बाद पुलिस वाले दरोगा ने भी कई थप्पड़ जड़ दिए और किसी ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बाइक सवारों में से किसी ने हेलमेट नहीं लगाया था और बाइक के कागज भी शायद पूरे नहीं थे, इसलिए पुलिस चेकिंग से बचकर भागना बाइक सवारों को महंगा पड़ गया। गाजीपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उसी दौरान का है। हालांकि गाजीपुर के सीओ भुटकुंडा ने भी चेकिंग की पुष्टि की और बताया कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में चेकिंग अभियान किया जा रहा है। देखिए गाजीपुर से मोहम्मद साहिद की खास रिपोर्ट। घटना का उल्लंघन न होने की वजह से हम लोग सभी वाहनों को संदिग्ध व्यक्तियों को चेक कर रहे हैं, जिससे कोई अवैध शस्त्र या अवैध कैश, अवैध रूप से कोई सामग्री मिलने की उसका कार्रवाई किया जाए। 20,000 बता रहा है, उसके बारे में जानकारी चाहिए किस कारण से। अगर 50 के ऊपर अगर कैश मिलता है तो क्या कार्रवाई? तो सीधे की कार्रवाई होगी। नियमानुसार फ्लैंग स्क्वाड रहता है, उसके माध्यम से टीम बनी हुई है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।